यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर रूस ने किया है पलटवार। कई शहरों पर रशियन आर्मी ने दागी है मिसाइलें। कीव समेत कई शहरों में भीषण बमबारी हुई है, यानी कि एक के बाद एक बम बरसाए गए। यूक्रेन के सभी शहरों में बज रहे हैं एयर रेड साइरन। तो देखिए, इस वक्त यूक्रेन के सभी शहरों में सायरन बज रहे हैं। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव क्या शुरू हो चुका है, क्योंकि रूस तो बड़ा पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। आइए एक नजर डालते हैं रूस क्या दावा कर रहा है। रूस का दावा है कि साउथ डोनेस्क में 1500 यूक्रेनी सैनिक हमने कर दिए हैं ढेर, 1500 यूक्रेनी सैनिक। रशियन आर्मी के पलटवार में यूक्रेन के 28 टैंक तबाह हो गए, यूक्रेन के 8 लेपर्ड टैंक और 3 AMX-10 टैंक भी तबाह बर्बाद हो गए। रूस ने TU-95 MS स्ट्रैटेजिक बॉम्बर से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। KH-55, KH-101, 102 और KH-555 क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया है। पूरी डिटेल हमले की आपको दे रहे हैं। रूसी अटैक में 109 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल भी तबाह हो गए हैं। तो देखिए, रूस भी बड़ा पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है, यह सीधे तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव क्या शुरू हो चुका है, इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। लोकेशन पर जरा गौर कीजिए। ज़ेपोरिजिया का नोवो डारिवाका शहर, दक्षिणी डोनेस का नेस्कुचने शहर, इन दोनों ही जगहों पर काउंटर ऑफेंसिव के तहत यूक्रेन ने हमले किए हैं। वहीं यूक्रेन के खिलाफ रशियन मिलिट्री ने जवाबी कार्रवाई की है, ताबड़तोड़ अटैक किए हैं जवाब में। जिन इलाकों पर यूक्रेन ने घुसपैठ की थी उन्हें वापस अपने कब्जे में ले लिया है। ऑपरेशन में 250 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, 16 टैंक ध्वस्त हुए हैं। यानी बड़ा नुकसान तो यूक्रेन को हुआ है, लेकिन यूक्रेन बहुत हद तक अपने इन इलाकों को वापस ले पाने में कामयाब रहा। मनीष, आपके पास क्या अपडेट आ रही है, एक ओवरऑल अपडेट आपसे चाहेंगे यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर। बिल्कुल, देखिए यूक्रेन की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव लगभग 36 घंटे पहले शुरू किया गया और उसमें मुख्य तौर पर एक साथ तीन तरफ हमले किए गए। पहला डायरेक्शन बाखमुत और अवदीवका का है, जहां पर मेरी जानकारी के मुताबिक तकरीबन 20,000 के करीब यूक्रेनी सैनिकों ने एक साथ हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ दूसरा डायरेक्शन ज़ेपोरिजिया के इलाके में है, जहां से वो बर्दियांस या मेलितोपोल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा डायरेक्शन था जहां पर कि उनके रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स के जरिए वो बेलगोरोद पर अटैक करने की कोशिश में कर रहे थे। रूसी सेना ने जब इसकी जवाबी कार्रवाई की तो मुख्य बात यह है कि जिस टैंक की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी, यानी जर्मनी का लेपर्ड टैंक, उसे भी पहली बार इस काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेनी सेना ने इस्तेमाल किया था। लेकिन रूसी सेना के दावे के मुताबिक 8 लेपर्ड टैंक और 3 फ्रेंच टैंक को ध्वस्त कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि रशियन सेना अब इस जानकारी के बाद कि वो लेपर्ड टैंक को ध्वस्त कर सकते हैं, आने वाले दिनों में टैंकों की भीषण लड़ाई आपको देखने को मिलेगी।